बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर फोर बायोलॉजिकल टेक्निक्स। आज हम जो बात कर रहे हैं इस पे, ये हम यानी इस पे हमने और लेक्चर थ्री उसमें भी हमने बात की थी कि मतलब माइक्रोस्कोप्स पे, कि माइक्रोस्कोप जो है किस तरह होते हैं, क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं, ये सारे के सारे बातें हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हैं। लेकिन अभी ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग पिक्चर जो इसे भी पहचान सकें, इससे भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँच सके। यहाँ पे देख लिया, अगर आप जैसे मैंने आपको कहा था कि सारे माइक्रोस्कोप जो हैं एक ही किस्म की माइक्रोस्कोप, बस हम सिर्फ उसको माइक्रोस्कोप जी कहते हैं जिससे हम यानी नेक्ट आई से एक चीज़ को नहीं देख सकते, तो हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। दैट डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। अभी उसमें बात हो रही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप है या लाइट माइक्रोस्कोप है या मैग्नीफाइंग ग्लास है या कंपाउंड है या कन्फोकल है या जो है डायसेक्शन माइक्रोस्कोप है या जो स्टीरो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप है, सारे इसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ तीन बातें जो है इसकी बेस पर हमने इसको डिवाइड किया है। यानी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, मैंने कहा था मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो इसे यानी इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं अभी इसको कौन सा नाम दूँ इस माइक्रोस्कोप को, क्योंकि ये तो इस जैसा है। और कभी कभार आप कहती भी है तो जो आपका टीचर होता है या जो आपका आपसे वाले ले रहा है या कोई और वो हो कह रहा है तो फिर वो नहीं मानता। तो यानी उस ये बात जो है जहन में रख ले कह रहा अभी वो किस बेस पे बात कर रहे, उसके फंक्शन के बेस पे इसको इसका नाम पूछ रहा है या उसके पावर के बेस पे इसका नाम पूछ रहा है, इसके डिज़ाइन के नाम बेस पे इसका नाम पूछ रहे। जैसे अभी ये माइक्रोस्कोप है, अगर इसको मैं जो है मोनोक्युलर कहूँ तो भी ठीक है क्योंकि इसमें सिंपल एक ही आई पीस है। अगर इसको मैं जो है सिंपल स्टेज माइक्रोस्कोप कहूँ तो भी ठीक है, अगर इसको मैं सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप कहूँ तो भी ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप कहूँ ये सारे ठीक है। क्योंकि सिंपल लाइट से जो है ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, इससे लाइट आ जाता है स्टेज पर, सैंपल पड़े हुए नीचे से लाइट आ जाए उस पर इल्यूमिनेट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, ऊपर से ऑक्युलर लेंस है यानी जो आई पीस है उससे ये नो एडजस्टमेंट है जिससे जो है इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसका आम है जहाँ से माइक्रोस्कोप आप पकड़ लेते हैं, ये एडजस्टमेंट स्टेज एडजस्टमेंट नोब है जहाँ से जो है स्टेज को इधर उधर अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो उसे करवा सकते हैं। इस तरह जो है इसका ये बेस है जिसके ऊपर जिसके थ्रू ये जो है यहाँ पे रखा गया होता है। तो ये है एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, ये उसके पार्ट्स थे। इसके अलावा देख ले तो ये क्या हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, ये जो है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप या जो है स्टेज माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, ये भी वही माइक्रोस्कोप है, सिर्फ क्या डिज़ाइन जो है इसके डिफरेंट हैं। अगर यही इसकी बात किया जाए मैग्नीफाइंग ग्लास की तो उसको हम हैंड लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास कह सकते हैं या हैंड लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास यूजली कहते हैं। यानी भी अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे मतलब वो जो छोटे छोटे स्मॉल सर्कट्स वगैरह पे काम कर लेते हैं या जो घड़ी वाले जो है घड़ी साज जिसको हम कहते हैं वो काम कर लेते हैं, तो आई पे रख लेते हैं तभी उसको अगर आप कहें कि ये दैट इज़ आई मैग्नीफाइंग ग्लास तो भी गलत नहीं होगा। तो यानी उसके स्ट्रक्चर बेस पे जो है उसको नाम जो है दिया जाता है, उसको जो है वो हम कहते हैं कि ये प्लानर किस्म का माइक्रोस्कोप। ये दूसरा है कंपाउंड और इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप। इसको अगर मैं कहूँ कि क्या है ये बायोकुलर है या ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है ये काम कर लेते हैं, उसको मैं इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप कह देता हूँ। अगर इसको मैं कंपाउंड भी कहूँ तो भी, क्योंकि वो उससे कम्प्लेक्स है जो सिंपल माइक्रोस्कोप था। अगर इसको ये बायोकुलर भी कहूँ तो भी ठीक है क्योंकि इसमें दो ही आई पीसेज हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके आई पीस हो गए, ये क्या है ऑब्जेक्टिव लेंसेज हो गए, ये स्टेज हो गए इसका, ये जो है डायफ्राम हो गई जहाँ से जो है फिल्टर हो जाता है, रेडिएट कंडेंसर है जहाँ से इसको हम कम ज़्यादा उसका जो शिद्दत है उसको करवा लेते हैं। इस तरह एक ये है कि टुमू अच्छा ये वाला नोब जो है इसे स्टेज को जो है इधर उधर लेके जाते हैं, इससे ये हो गया फाइन फोकस, ये है कोर्स फोकस। तो कोर्स फोकस और फाइन फोकस में फ़र्क है कि यहाँ से हम जब स्पेसिमन हमारे पास आ जाते हैं तो उसको जब हम देख लेते हैं यहाँ से, तो अगर वो क्लियर ना हो तो उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर उसको मज़ीद साफ़ करने के लिए उसको देखने के लिए क्या है जो फाइन फोकस है उसी को रोटेट कर लेते हैं, उसी से उसको क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा है मैकेनिकल स्टेज। तो मैकेनिकल स्टेज मीन कि इसको इधर उधर आप कर सकते हैं, यहाँ से एक से जो है ऊपर नीचे इससे लेके जा सकते हैं इधर उधर। दूसरा क्या है, उसको लेफ़्ट एंड राइट पे जो है
आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिजोल्यूशन नोज पीस है, जिससे जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसको इधर उधर आप घुमा सकते हैं। सिंपल 40x है, 10x है, 100x है, तो इन्हीं को क्या है इधर उधर आप लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका जो इमेज है अगर वो क्लियर नहीं नज़र नहीं आ रहा, तो उसी के लिए क्या है हम ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास हैं इसकी इसी को फॉर एग्ज़ाम्पल 40x एक्स मीन के मेगा पिक्सल जो पिक्सल हैं इन्हीं इसी का यूनिट है। इस तरह कैमरे के पीछे वो लगा हुआ होता है गहरा, ये 16 मेगापिक्सल है, 20 मेगापिक्सल है, 40 मेगापिक्सल है, जिस तरह इसका भी है। तो ऑब्जेक्ट और ये पिक्सल किस बेस पर के जो लेंसेज हैं उसी के बेस पे होते हैं। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं, जिस पे हमारे पास इमेज क्लियर आ जाता है तो उसी को हम पर रख लेते हैं, उसके थ्रू हम जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। इसके अलावा क्या है ये इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर लेते हैं, और ये क्या इल्यूमिनेटर है जिससे जो है लाइट इल्यूमिनेट हो जाता है यानी वहाँ से जो है वो निकल आता है। तो ये थे कुछ पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के हवाले से भी बात हो गई और टाइप्स के माइक्रोस्कोप पे भी बात हो गई। अभी हमारे पास अगर उसमें कुछ ऐसे जिसमें अगर लैब में देखें तो वहाँ पे कुछ दो आईपीस होते हैं, एक पे हम कैमरा लगा लेते हैं तो हम उसको ट्राइकुलर कहते हैं। तो फिर यानी वही माइक्रोस्कोप है, सिर्फ उसके काम के बेस पे या पावर के बेस पे भी एक माइक्रोस्कोप पे उसका रेजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा है तो फिर उसका नाम जो है डिफरेंट वो दिया जाता है। जिस तरह फिर उसकी मीडियम और उसके जो लाइट विजिबिलिटी और वो सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस किया, तो उसी के बेस पे हम इसको फिर डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है एक और, उसको ये भी उस जैसा है जिसके यानी पार्ट अगर उस पर देखें तो हम इसी से जो है सीख सकते हैं कि इस पर कौन कौन से जो है पार्ट्स है, कहाँ कहाँ पे जो है हम इसमें काम कर सकते हैं, या हमें जो चीज़ नज़र आ रहा है तो किस तरीके से क्लियर आए नज़र आएगा। इसके अलावा अगर तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे, ये है स्टीरो माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को ये जिस तरह वो पहले कंपाउंड या सिंपल वो माइक्रोस्कोप थे बायोक्यूलर माइक्रोस्कोप, ये भी इसको अगर आप कहें बायोक्यूलर माइक्रोस्कोप तो ये बात गलत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप इसको स्टीरो माइक्रोस्कोप कहें तो भी गलत नहीं होगा, यानी ये टाइप्स जो है इनकी पावर के बेस पे, फंक्शन के बेस पे और स्ट्रक्चर बेस पे इसको हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आई पीस हो गए, ये डायोप्टर हो गया, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ये स्टीरो हेड हो गया जहाँ से जो है ये लेंस उसमें लगी हुई, जिस तरह हम उसको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स कहते थे। यहाँ पे टॉप लाइटिंग है, यहाँ से लाइट जो है टॉप साइड से जो है इस पर आ रहा है। बॉटम लाइटिंग है तो बॉटम के साइड पे भी इससे ऊपर लाइट आ रहा है। यहाँ पे जो है फोकस नॉब है, यानी इसी को जो है आप ऊपर नीचे यहाँ से लेके आज जा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है लाइटिंग कंट्रोल है, यहाँ से स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये क्या है स्टैच क्लिप्ट है, जहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को रख लेते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, वहीं पे जो है वो टहर जाता है उससे। अच्छा, ये क्या है स्टैच प्लेट है, यहाँ पे कोई स्लाइड वगैरह नहीं रख लेता बल्कि यहाँ पे डार्क ऑर्गेनिज्म को रख लेते हैं। जैसे उसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म है या कोई इंसेक्ट वगैरह है तो उसी को हम रख लेते हैं और वो जो है हमारे पास नज़र आ जाता है। फिर नीचे से भी लाइट होता है, ऊपर से भी, तो जिस तरीके से ये क्लियर हमें नज़र आ सकता है तो वहीं से क्या है इसको हम क्लियर कर लेते हैं और अपना जो इमेज है उसको हम वहीं से ले लेते हैं। क्या ना फिर इमेज लेने की मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, कैमरा लगा लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर है, मुख्तलिफ़ टेक्निक जो है फिर उसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये रहा स्टीरो माइक्रोस्कोप, ये इसका दूसरा टाइप है स्टीरो माइक्रोस्कोप का। इसके अलावा जो है ये भी डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और स्टीरो माइक्रोस्कोप, ये भी एक और टाइप है। ये क्या रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहा, जो कि डिजिटल वो होते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास रहा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो यही भी वही इलेक्ट्रॉन के थ्रू काम करते हैं। ये रहा हमारे पास कैमरा लूसिडा माइक्रोस्कोप, जिसके ऊपर हम जो है कैमरा वगैरह इसको लगवा लेते हैं यहाँ से, और हमारे पास जो पिक्चर वगैरह हम देख लेते हैं उसको क्लियर करके हमारे पास कंप्यूटर पे जो है वो इमेज आ जाती है, उसके ऊपर हम सेव कर लेते हैं डिफरेंट रिकॉर्ड के। एक रहा कन्फोकल माइक्रोस्कोप, जिसको जो है कहाँ से रिकॉर्ड वगैरह जो है स्क्रीन पर आ जाते हैं वहीं पर उसको हम सेव कर लेते हैं, उसको हम जो है देख लेते हैं। ये कैमरा जो यहाँ पे लगे हुए होते हैं उससे जो है इमेज वगैरह उसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जो है ये रहा उसी का जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और इसकी जो हम बात कर लेते हैं तो उसी क्या या कैमरा लूसिडा का, तो हम जो फिनोमेना है उसका ये है कि यहाँ से जो है
लेज़र लाइट जो है वो आ जाता है। यहाँ पे एक साइटेशन एपर्चर है जहाँ से लाइट होके गुजर जाता है। फिर डाइकोरिक वो होते हैं, मिरर होते हैं, वो लाइट को जो है बेंड कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस से होके गुजर जाते हैं तो सैंपल पे पड़ जाता है। जब सैंपल पे पड़ जाता है, सैंपल से जो है वापस ये क्या है, फिर दोबारा से ये रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है, ये गुजर जाते हैं, आ जाते हैं एमिशन पिन होल पर। एमिशन पिन होल पर जो यानी जो लाइट इसके पार गुजरता है तो वहाँ पर डिटेक्टर होता है, स्क्रीन होता है, जो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसी से वहीं पे कर क्या है इमेज जो है बन जाता है। तो ये इसी का वो फेनोमेना है जिसमें जो है कन्फोकल माइक्रोस्कोप में स्पेशली इसका जो फेनोमेना है तो वो यही है कि यहाँ पे क्या लेज़र लाइट होता है, उसमें उसे लाइट आ जाता है नीचे, इसी पे सैंपल पे पड़ जाता है, फिर वहीं से दोबारा होके डिटेक्टर पे पड़ जाता है, वहाँ पे हमारे पास जो है इमेज वो बन जाता है। तो ये रहा कन्फोकल। अच्छा, ये कुछ ब्राइट फील्ड और उसके डार्क फील्ड के हवाले से बात कर लेते हैं। तो ब्राइट फील्ड में कि हम उसको लाइट प्रोवाइड कर लेते हैं, उसी लाइट में जो है हमारे पास जो इमेज आते हैं क्लियर आ जाते हैं, तो उसको हम ब्राइट फील्ड जो कि आम हम लैब में उसकी एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल्स जो है वो करवा लेते हैं। जैसे आप इसमें देखते हैं डोमिनोज वगैरह या जो वोलोक्स या एलजी के कुछ वो हैं टाइप्स हैं, तो उसको आप देख लेते हैं। तो यही वो जो है हमारे पास ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप किया जाते हैं, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो उसको हम ब्राइट रख लेते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जो कि ब्राइट फील्ड में क्लियर नज़र आते हैं, कुछ ऐसे को डार्क फील्ड में नज़र आते हैं, तो फिर हम उसकी लाइट की जो इल्यूमिनेशन है, जो लाइट का फ्लो है, जो इंटेंसिटी है, उनको कम ज़्यादा कर लेते हैं, बस को जो हम डाई देते हैं, कलर देते हैं, तो उसी कलर और डाई के बेस पर क्या है वो हमारे पास उससे जो इमेज नज़र आ जाता है क्लियर, तो उसी कॉम पर उसी प्रोसीजर उसकी प्रोटोकॉल जो है उसको अपना लेते हैं, उसके थ्रू हम उसको देख लेते हैं। इसके बाद रहा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप असल में वो माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम इमेज जो है वो अगर हमारे पास क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो तो फिर हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो लिविंग सेल्स हैं, अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम अगर उसको डाई दे देते हैं या कुछ और केमिकल डालते हैं उसके ऊपर, तो वो चीज़ हमारे पास मर जाता है या जो सेल होता है वो ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हम उसको जो है वो फील्ड चेंज करते रहते हैं, और उससे हमारे पास क्या है एक क्लियर इमेज जो है वो आ जाते हैं थ्रू उसके कंप्यूटर के थ्रू, हम उसकी सेटिंग वगैरह जो है वो फिर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख लें इमेज किस तरह पर जो है उसको जो मीडियम है, जो जगह है उसको चेंज किया गया है, जो लाइट है उसको चेंज किया गया है, तो फिर उसका इमेज हमारे पास किस तरह आ गया। तो जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात है तो असल में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिसको हम दूसरे कंपाउंड और सैंपल माइक्रोस्कोप से वो नहीं करवा सकते थे, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए जो है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस वगैरह वो ले लेते हैं, खासकर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो हम उसको कलर वगैरह नहीं दे सकते, उसको हम नहीं चाहते कि वो जो है हमारे साथ ख़राब हो जाए या मर जाए, तो फिर हम उससे क्या कर लेते हैं, उससे हम फिर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से उसी के ऊपर जो है वो लेके आते हैं, उससे हम इमेज जो है उसका ले लेते हैं। यानी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में और ब्राइट फील्ड और डार्क माइक्रोस्कोप में फ़र्क ये है कि डार्क माइक्रोस्कोप तो है कि उसको हम सिंपल जो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, उसमें हम सिंपल उसकी कलर जो है बैकग्राउंड वगैरह वो चेंज करवा लेते हैं, इसमें जो है कलर वगैरह नहीं, बस डायरेक्टली उसको हम स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पे हम कलर वगैरह थे, लेकिन यहाँ पे जो हम उसका जो लाइट इंटेंसिटी वगैरह वो इस तरह रख लेते हैं ताकि हमारे पास जो है जो इमेज है वो क्लियर हमारे पास नज़र आ जाए। तो ये था मुख्तलिफ कन्फोकल माइक्रोस्कोप के हवाले से बात हो गई। इसके अलावा जो है कैमरा लुसिडा माइक्रोस्कोप के हवाले से बात हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्टील और डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप, इसके अलावा जो है सिंपल जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बायोकुलर और ट्राइकुलर के बारे में हमने बात की, तो ये सारे जो हैं ये मुख्तलिफ इमेजेस में मैंने दिखा दिया ताकि आप लोग इसको जान सके और इसको जो है स्टडी कर सके, आप लोगों को आसान हो या कन्फ्यूजन की कोई बात ना रहे इसमें। थैंक यू।